हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट नेटवर्क। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हर टीम में से उन 5 प्लेयर के बारे में जो कि आईपीएल 2020 में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। और गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको इस चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं हम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के बारे में और इस टीम के उन 5 प्लेयर्स के बारे में जो कि आईपीएल 2020 में काफ़ी घातक साबित होने वाले हैं। दोस्तों, पहला नाम आता है एबी डिविलियर्स। दोस्तों, एबी डिविलियर्स काफ़ी ख़तरनाक प्लेयर है और आरसीबी के इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैच जिता रखे हैं। अब दूसरा नाम आता है विराट कोहली। विराट कोहली भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस प्लेयर हैं और विराट कोहली इस टीम के कैप्टन होने के साथ साथ इस टीम में काफ़ी इंडिविजुअल हाइस्ट स्कोरर रन है। अब बात करें तीसरे प्लेयर की, तो तीसरे प्लेयर चहल हैं और चौथे प्लेयर डेल स्टेन और पाँचवें प्लेयर हैं नवदीप सैनी। ये तीनों बॉलर्स हैं आरसीबी की टीम में जो कि आरसीबी के लिए एक मैच विनर साबित हो सकते हैं। बात करें मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है, इस टीम में काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो कि मैच विनर्स हैं और उनमें से हम 5 प्लेयर्स को चुनेंगे आज। तो दोस्तों, पहले तो आते हैं रोहित शर्मा, इस टीम के कैप्टन जो कि काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में चल रहे हैं। और उसके बाद कैरन पोलार्ड ऑलराउंडर है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैच जिता रखे हैं मुंबई इंडियंस को। और बुमराह ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करी है। दोस्तों, बुमराह आते हैं तीसरे नंबर पर और उसके बाद आते हैं मलिंगा, हार्दिक पांड्या। दोस्तों, इस टीम में काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो कि मुंबई इंडियंस के लिए मैच विनर साबित होते हैं हर साल। दोस्तों, बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। दिल्ली कैपिटल्स इस साल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाली है और कई पूर्व क्रिकेटर का दावा है कि इस साल दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल की ट्रॉफी जीत सकती है। दोस्तों, बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के उन 5 प्लेयरों के बारे में जो कि दिल्ली कैपिटल्स को ट्रॉफी जिताने में मदद करेंगे। दोस्तों, पहले प्लेयर है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में है शुरू से और एक काफ़ी ज़्यादा पावर हिटर है जो कि दिल्ली कैपिटल्स को काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे और एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है दिल्ली कैपिटल्स में। दोस्तों, दूसरे प्लेयर है रविंद्र चंद्र अश्विन पिछले साल किंग्स इलेवन पंजाब में थे, लेकिन इस साल वो दिल्ली कैपिटल्स में खेलेंगे। दिल्ली कैपिटल्स में वो अपना डेब्यू करेंगे और इस साल पूरी कोशिश करेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स को वो ट्रॉफी जिताएं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है संदीप लामिछाने, जो कि नेपाल के प्लेयर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेग स्पिनर है ये पूरे वर्ल्ड में। और इनकी बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं दिल्ली कैपिटल्स को हर साल विकेट लेने में। और दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स में चौथे नंबर पर आते हैं पृथ्वी शॉ काफ़ी ज़्यादा घातक ओपनर है। ये काफ़ी ज़्यादा रन बनाते हैं ओपनिंग में और ये 40-50 रन तो करके जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मदद करता है दिल्ली कैपिटल्स टीम को। दोस्तों, पाँचवें नंबर पे आते हैं दिल्ली कैपिटल्स के कगिसो रबाड़ा। कगिसो रबाड़ा काफ़ी घातक बॉलर है पूरे वर्ल्ड में और ये दिल्ली कैपिटल्स को मदद करेंगे इस साल की ट्रॉफी जिताने में। तो दोस्तों, बात करते हैं एक और टीम के बारे में। दोस्तों, बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में और बात करते हैं उन 5 प्लेयर्स के बारे में जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स को इस साल मदद करेंगे आईपीएल ट्रॉफी जिताने में। दोस्तों, पहला नाम आता है आंद्रे रसल। दोस्तों, आंद्रे रसल को तो आपने देखा ही होगा, लास्ट 2 या 3 सीज़न में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैच जिताए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स को और ये काफ़ी घातक बैटिंग करते हैं। दोस्तों, दूसरे प्लेयर है पैट कमिंस 2020 में काफ़ी महंगे साबित होते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट बिडिंग प्लेयर थे और अब पैट कमिंस के केकेआर को रिप्रेजेंट करेंगे 2020 में और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे बॉलर है, ऑस्ट्रेलियन टीम के बॉलर है ये। दोस्तों, बात करें तीसरे प्लेयर के बारे में तो वो है सुनील नारायण। सुनील नारायण काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं और साथ ही साथ एक ओपनर का रोल भी निभा लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मदद करता है केकेआर को। अब बात करते हैं चौथे प्लेयर के बारे में। तो दोस्तों, चौथे प्लेयर यहाँ पे आते हैं नीतीश राणा भी काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं और ये बॉलिंग भी कर लेते हैं ठीक ठाक, लेकिन बैटिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है जो कि केकेआर को काफ़ी मदद करेगी 2020 में। दोस्तों, अब नाम आता है दिनेश कार्तिक का। दिनेश कार्तिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर लेते हैं और साथ ही साथ कैप्टनसी भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स ने अपना कप 2008 में जीता था और उसके बाद इन्होंने एक भी बार फाइनल में भी नहीं गए राजस्थान रॉयल्स की टीम। और अगर बात करें कि उन 5 प्लेयर के बारे में तो उनमें पहला नाम आता है स्टीव स्मिथ का। स्टीव स्मिथ काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं राजस्थान रॉयल्स को हर साल। दोस्तों, राजस्थान के दूसरे घातक प्लेयर जो हैं वो है जॉस बटलर। जॉस बटलर को तो आपने देखा ही होगा, पिछले साल जॉस बटलर ने काफ़ी मैच जिताए थे राजस्थान रॉयल्स को और इस साल भी यही ट्राई करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं बेन स्टोक्स की। तो बेन स्टोक्स भी एक काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं और वर्ल्ड कप इन्होंने इंग्लैंड को जिताया था, उसके बाद एक एशेज टेस्ट सीरीज जिताई थी जिसके बाद अब राजस्थान के लिए खेलेंगे और ये काफ़ी मदद करेंगे राजस्थान को। दोस्तों, राजस्थान में चौथे प्लेयर है संजू सैमसन, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। और पाँचवें प्लेयर है जोफर आर्चर, जो कि काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा लेते हैं। अब बात करते हैं सनराइज़र हैदराबाद की। कौन से हैं वो सनराइज़र हैदराबाद के 5 प्लेयर्स जो कि सनराइज़र हैदराबाद को हेल्प करेंगे इस साल आईपीएल ट्रॉफी जिताने में। दोस्तों, हैदराबाद के वो 5 प्लेयर
इसमें पहला नाम आता है केन विलियमसन का, जो कि कैप्टन कूल थे पिछले साल, लेकिन इस साल डेविड वॉर्नर कैप्टनसी करेंगे। और कैप्टनसी के साथ साथ डेविड वॉर्नर इस टीम के दूसरे प्लेयर हैं जो कि हैदराबाद को काफ़ी मदद करते हैं। और डेविड वॉर्नर के साथ बेरिस्टो ओपनिंग प्लेयर में आते हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये तीनों प्लेयर केन विलियमसन, बेरिस्टो और डेविड वॉर्नर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं SRH के लिए। और चौथे प्लेयर जो हैं दोस्तों वो हैं राशिद खान। राशिद खान काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेग स्पिनर बॉलर और साथ ही साथ अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं लास्ट टाइम पे। और राशिद खान वन ऑफ द बेस्ट स्पिन बॉलर, रिस्ट स्पिन बॉलर है और ये मदद करेंगे सनराइजर हैदराबाद को। और दोस्तों पाँचवें नंबर में नाम आता है भुवनेश्वर कुमार का, जो कि एक अहम बॉलर्स की भूमिका निभाएंगे SRH की टीम के लिए इस साल। दोस्तों बात करते हैं किंग्स इलेवन पंजाब की, तो किंग्स इलेवन पंजाब के पाँच बैट्समैन में से पहला नाम आता है क्रिस गेल का। दोस्तों क्रिस गेल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ओपनर है, अगर क्रिस गेल चल जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में रहती है किंग्स इलेवन पंजाब। और दूसरा नाम आता है KL राहुल का। दोस्तों KL राहुल भी क्रिस गेल के साथ अच्छी बैटिंग करते हैं और KL राहुल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, साथ ही साथ ये सर कैप्टनसी भी करेंगे किंग्स इलेवन पंजाब के लिए। दोस्तों तीसरा नाम आता है इस साल ग्लेन मैक्सवेल वापसी करेंगे किंग्स इलेवन पंजाब में और ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे अगर ये फॉर्म में रहे तो। दोस्तों चौथे नंबर पे नाम आता है मयंक अग्रवाल का और पाँचवें नंबर पे आते हैं किंग्स इलेवन पंजाब के बॉलर मोहम्मद शमी। दोस्तों अब बात करते हैं हम अपनी लास्ट टीम के बारे में, जो कि है चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग के पांच जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हैं उनमें से पहला नाम तो आता है MS धोनी का। दोस्तों MS धोनी को तो आप जानते होंगे, वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर है ये और काफ़ी अच्छी कैप्टनसी भी कर लेते हैं ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, काफ़ी अच्छी फील्ड प्लेसमेंट करते हैं, जो कि चेन्नई के लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे इस साल और हर साल की तरह इस साल भी ये चेन्नई को काफ़ी मदद करेंगे। दोस्तों दूसरे नंबर पे आते हैं रविंद्र जडेजा भी अच्छे फिनिशर हैं और साथ ही साथ बॉलिंग के साथ, बैटिंग के साथ और फील्डिंग के साथ अपने तीनों हिस्से में अपना योगदान देते हैं, जो कि मदद करेगा चेन्नई सुपर किंग्स को। करते हैं इमरान ताहिर के बारे में, जो कि तीसरे प्लेयर हैं चेन्नई सुपर किंग के जो कि घातक साबित होंगे इस साल। इमरान ताहिर भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में रहते हैं और इमरान ताहिर काफ़ी अच्छे लेग स्पिनर है, काफ़ी मदद करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स को। दोस्तों अब नाम आता है ड्वेन ब्रावो का, जो कि एज ए ऑलराउंडर चेन्नई सुपर किंग्स को काफ़ी मदद करते हैं हर साल और इस साल भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। दोस्तों पाँचवें नंबर पर आते हैं शेन वॉटसन। दोस्तों शेन वॉटसन काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और साथ ही साथ चेन्नई को मदद करते हैं IPL की ट्रॉफी जिताने में। इन्होंने 2018 में चेन्नई की काफ़ी अच्छी मदद करी थी, हैदराबाद के साथ इन्होंने शतक लगाया था और इस साल भी ये उम्मीद करेंगे कि ये उसी फॉर्म में रहें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में चाहिए।